सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो कैसे हो भाई लोग? आ चुके हैं फाइनली हम लोग मुंबई, और कल तो हमने कुछ ज़्यादा शूट किया नहीं क्योंकि कल फास्ट भी था यीशु का। वैसे तो फास्ट इसके सारे ही हैं 9 दिन के, बट मतलब फर्स्ट डे में थोड़े ज्यादा चीजें रहती है ना, काम वाम। फिर आने के बाद आपको पता है कि रूम वाला बंद रहता है, तो भाई उसकी डस्टिंग, फैन पे जाले लगे हुए थे, पूरा कमरा ऐसे धूल मिट्टी से भरा हुआ था ना, तो पूरी सफाइयां करवाई है उसकी। पहले तो मैंने खुद आके की थी, फिर जब वो आई तो उनसे काम करवाया। और क्या बोलते हैं भाई, अभी पहले तो मैंने कल फास्ट रखा ना, तो कल मेरे को इतना ज्यादा लो फील हो रहा था ना। पहली बार फास्ट से मेरे को ये मतलब जो अपनी जो ये एब्डोमेन वाली साइड होती है ना, यहाँ पे पेन होना शुरू हुआ कल, और बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। कितने बाल उसके? हाँ, उसके बाल बहुत टूट रहे हैं, उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा एक बार। ना बहुत, तो आज नहला देते हैं आप इसको नहाने से पहले? अब कल नहला देना इसको, तो लोगों को नहला दो कल। तो भाई मुंबई में वही हुआ है जो होना था, टूट टूट के गर्मी पड़ रही है, बहुत गंदे वाली, और इतनी गर्मी पड़ रही है ना तो मेरा बाल खोलने का मन करा। सुबह मैंने आज फिर से हेड वॉश लिया था, ना मैंने बाल अपने कॉम किए ना कुछ किए, सिर्फ बांध लिए मैंने, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं बता नहीं सकती। और मैं कुछ भी अपने फेस पर लगा रही हूँ तो मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली है, तो वो सब ऐसे यूँ आ रहे हैं बह बह के। तो ये अभी मुझ पर गुस्सा कर रहे थे, तैयार हो जा, इस बार की गर्मी का वैसे ही बोला है गर्मी ज़्यादा होगी। वहाँ पर ऐसा मत बोलो, डुगू मैं तो पहाड़ पे शिफ्ट हो जाऊंगी। गाइज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जहाँ जहाँ पहाड़ों से लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं ना, तो जिसका अपना पर्सनल घर हो ना पहाड़ों में, घर हो जहाँ पे जिसका अपना पर्सनल घर हो ना। क्यों एक रात को मुझसे बोलती है उधर देख ले, दिल में क्या बोलती है सानिया, सारे मुंह पे बाल ही बाल लगा रही है। ये इसने उड़ाए ना जो भी, उससे मेरे बाल मुंह पे चिपक गए क्योंकि मेरे फेस पे। और मेकअप करना है क्या तेरे को भी साहिब? देख ले साहिब, साहिब, साहिब जी, साहिब जी। आ, मेरी बैंगल्स तो दिखाई नहीं आपने। कौन सी बैंगल्स? ये देखा, मैंने कल चेंज की है ना आके। मैंने कल ना ये वाली चूड़ियां पहनी है, पता ना कैसी लग रही है, ये कांच वाली है। स्पेलिंग आ रही है क्या ये? पता नहीं, चीज मुझे लग रहा है, दिखा तो, दोनों तरफ से लग रहा है क्या? नहीं पता नहीं, पता नहीं, कोई नहीं छोड़। तो भाई मैंने कल ये वाली बैंगल्स पहनी है, देख लो सुंदर लग रही है ना, मेरे को येलो कलर अच्छा लगता है। और क्या कहते हैं भाई, मैंने आज सुबह से, आज पता क्या हुआ, आज मैंने सोचा कि मैंने चाय पीऊंगी, तो मैंने मतलब परसों मंगाया था दूध दही सारी चीजें, और मैंने फिर जब ऐसे चाय बनाने के लिए दूध रखा तो वो फट गया। मतलब कि मेरी किस्मत में नहीं था चाय दूध पीना, तो फिर मैंने नहीं पिया। और भाई मेरे तो नॉर्मल रहते हैं फास्ट, मतलब दिन में ऐसा कुछ इनटेक रहता नहीं है, और दिन में मतलब रात को सिर्फ एक ही टाइम पे खाना होता है, तो उसमें मैं कुछ भी खा लेती हूँ, आपको पता ही है, कुछ भी, मतलब कुट्टू नहीं खाती मैं, राजगिरी खाती हूँ, यहाँ पे राजगिरी चलता है, राजगिरी थोड़ा अच्छा होता है। तो और हाँ, कल की मैं बात बताती हूँ आपको, आप आओ ना साथ में फ्रेम में, तभी तो मजा आएगा। कल मैंने इन महाशय को बोला कि डुगू, क्योंकि मैंने देखा जेप्टो पे ना आलू थे 52 रुपीज के 1 kg, तो मैंने कहा डुगू यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगे आ रहे हैं, मैं इतने भी महंगे नहीं मंगाती यार, मैं अगर 30 के बजाय थोड़े 3500-3600 तो पार्ट चलती है, बट वो मतलब कि 30 रुपए के हिसाब से थे 52, ऑलमोस्ट डबल रेट। तो मैंने कहा कि आप ले आओगे? तो बोलते हैं हाँ मैं ले आऊंगी जाके। मैंने कहा ठीक है। अब एक महीने से हमारी स्कूटी भी भैया की तरफ खड़ी हुई थी, तो इन्होंने बोला कि मैं चले जाऊंगी, मैंने कहा ठीक है। एक बार तो बोला मुझे तो चलेगी, मैंने कहा मेरे को कपड़े चेंज करने पड़ेंगे अगर मैं चलूंगी तो फिर ये खुद ही चले गए। फिर पहले मार्ट चले गए और 700-800 रुपये ले गए कैश उठा के। मैंने कहा फ़ोन ले जाओ जीपे के लिए, क्योंकि इनको आदत नहीं है कैश के लिए करने की ट्रांजेक्शन्स। तो भाई मार्ट जाके 700 कुछ रुपये, 750 का तो घी ले आए। फिर वहाँ बोलते हैं अब मेरे को क्या कहते हैं कुट्टू वो भी लाने, राजगिरी भी और वो सामक वाले चावल भी लाने हैं। सुन आज तो मेरी बेइज्जती हो जाती, फोन पे बोलते। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मैं तो 800 रुपये लेके आई। वो देख, उसको देख, महाराज को रबड़ निकाल के ले गया। ए कंजर, रबड़ दे मेकअप वाली की, से रबड़ निकाल के ले। तू मेरी रबड़ दे लेके आया। वो रबड़ चोर। ये री, मैं सोच रही हूँ इतनी देर से वो क्या कर रहा है अंदर, रबड़ चोर कहीं का, रबड़ चोर कहीं का। वो शैतान। तो भाई ये ना ऐसे ऐसे करके इन्होंने कल वो डाल दिया वहाँ पे, और मैंने इनको ये बोला था कि डुगू मार्ट जब जा रहे हो ना तो वहाँ पे जीपे करना होगा, तो अगर फोन नहीं लेके जा रहे तो मेरे को फोन कर देना, स्कैनर भेज देना, मैं यहाँ से पे कर दूंगी। अब सब्जियों के तो पैसे ही नहीं छोड़े। फिर बोलती है मैं ना सुन अभी घी और सामक के चावल लेके ना घर आ रही हूँ। मैंने कहा क्यों? कहती है सुन वो मेरे पास ना कैश नहीं है और मैं जीपे भी नहीं लेके आई। तो मैंने कहा दिमाग तो है ना,
मैंने कहा पे फोन करके मुझे बोल नहीं सकती थी कि बाबू स्कैनर भेज दो जीपे कर, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, तू मेरे साथ नहीं गई थी ना तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, मैं नहीं अकेले नहीं जाऊंगी, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। फिर पता नहीं कहां मंडी पहुंच गई है, वहां से मटर वाले के पास खड़ी है। मैंने कहा एक ना यहाँ पे पर्टिकुलर शॉप है उसके पास सब कुछ होता है, आलू प्याज सब्जी सब कुछ, तो मैंने कहा कि आलू ले आना और सब्जी ले आना एक दो। फिर कहती है नहीं आलू वाला तो अलग है सब्जी वाला अलग है। मैंने कहा अलग है, दुकान ही एक लगती है। मैं यहाँ बैठ के सोच रही हूँ यार दुकान तो एक ही लगती है मार्ट के पास, ये किसकी बात कर रही है। कहती है वो मंडी में है नहीं एक आंटी जिसके पास सारी सब्जियां होती है। मैंने कहा तो मंडी कैसे पहुंच गए, और मैंने इनको नीचे लिफ्ट के पास से वापस भेजा ये कह के कि वापस ऊपर मत आओ, जाओ जो लेके आना है सब्जी ले आओ, मैं यहाँ से जीपे कर दूंगी। अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो जीपे भी तो कर सकती थी, देख मैं आज अकेले गई हूँ ना तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तू मेरे साथ आया अगर तेरे बिना मेरे को कुछ भी नहीं अच्छा लगता, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे लौट दिखा रहे मेरे को फोन पे है। फिर जाके 60-60 रुपए मेरे से जीपे करा रही है। सुन मैंने आलू यहाँ से ले लिए, सुन अभी नींबू लेने हैं, सुन अदरक ना मैंने कहा था, मैंने कहा अदरक लिया ना पाव लिया ना देख लेना 20-30 का मिलेगा। कहती है तूने कहा था 20 रुपए का अदरक लाना है 40 का पाव, तो मैं 20 का ही ले आई। इसका दिमाग खराब वो लड़की का, कहती 40 का पाव था तो मैं 20 का ही ले आई क्योंकि तूने 20 का कहा था, पागल पागल। और लिख के और ले जाती है। फिर नींबू लेने थे, सुन 20 के 4 नींबू मिल रहे हैं क्या करूं, लेने जैपटॉप की तरह है, मैंने कहा 70 रुपए के 3 हंसने लग गई, आप तो ले लेती हूँ तो भाई पांच भी नहीं दे रहा था, पता है वो मैंने थोड़ी कोशिश की बार्गेनिंग की, मैंने पांच दे दो, मैंने कहा पांच दे दो ना, कहता नहीं मेरे से कल देख के तू 6 भी नहीं देता कोई बात नहीं। तो भाई ऐसे ऐसे करके और फिर ऐसे और हाथों से पकड़ के लाई हूँ पन्नी में हाथों से है, फिर देख मेरी उंगली और थैला निकाल के हाथ रखा, मैंने कहा कि इसमें ले आना डाल के बैग में, ऐसे दिक्कत होती है, वो भी यही भूल गई। पता नहीं किस जोन में जाई गई है कल ये लड़की, मुझे समझ ही नहीं आता किस जोन में गई है। और हाँ एयरपोर्ट्स और लगा के गई है, मैंने देखा एयरपोर्ट्स लगा के गए थे आप। कहती है हाँ, कहती है वो सॉरी एयरपोर्ट्स, कहती है वो हाँ तुझसे बात भी तो करनी थी ना, फिर फोन पे पूछना था ना कितने की सब्जी लेनी है क्या लेना है, इतने डिटेलिंग लेके गई थी जबकि पूरा ऐसे लिस्ट बना के आलू 2 किलो रेट लिख दिया 20-30 रुपए किलो पर के जी, नींबू लाने हैं 20 रुपए के, अदरक 1 पाव फिर स्लैश करके 20 रुपए के, ऐसे करके लेके गई है बापरे लड़की। ठीक है ना, तो कभी कभी हो जाता है कुछ नहीं आता। और अदरक ऐसा लाई है बस पूछो मत, चाय फट गई सुबह मेरी उससे। मैंने कहा बाबू अदरक नहीं पता आपको मैं कैसा लेती हूँ, क्यों सही तो है ये, और वो व्हाइट व्हाइट सा हुआ पड़ा है। कहती अच्छा तो है अंदर से सही निकलेगा बिल्कुल। मैंने कहा देसी टमाटर लिया ना, अच्छा वो कैसे होते हैं यार, तो मैं सब्जी थोड़ी लेती हूँ, सब्जी तो यही लेके आती हूँ। मेरे साथ तो आप ही होते हो ना, तो मैं तो स्कूटी में बैठी रहती हूँ। कल पता चला आपको मैं कैसे थैले हाथ में पन्नियां पकड़ पकड़ के सब्जियां ढूंढती फिरते हो है, कल समझ में आई बात मेरी, कभी का एहसास हुआ। तो भाई ऐसा ऐसा गया हमारा कल पहला फास्ट वाला दिन, और मेरी कल सच में तबीयत खराब हो गई थी, मुझे नहीं पता मेरी किस तरीके का पेन हुआ यहाँ पे साइड में, जिंदगी में कभी नहीं हुआ, और बहुत तेज दर्द हुआ। फिर इन्होंने एज यूजुअल जो पराठे बनाने थे वो इन्होंने बनाए, मैंने तो रायता चटनी और सब्जी बना दी थी, इन्होंने पराठे बनाए, फिर हमने पूजा वूजा की, तो कल का पूरा यही था। और तो वो बेसिकली तबियत की वजह से ही हम आगे का शूट नहीं कर पाए, और कल हम बाहर भी गए थे तो थोड़ा सा नहीं कर पाए इसलिए, बट आज से हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो कंटिन्यूटी में आएंगे। प्लस मैंने सोचा है कि एक दिन मैं आपको नवरात्रे की थाली बना के दिखाऊंगी यशल्स की रसोई में, कि मैं क्या क्या चीज़ें बनाती हूँ और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, और उसी का ही मकबैंग भी कर लेंगे नवरात्रि की थाली का। बिल्कुल मकबैंग भी कर सकते हैं। लव स्टोरी बस जल्दी आने वाली है गाइस, टेंशन मत लो, कल बना ले लव स्टोरी, बना इस ब्लॉग के बाद। ठीक है क्या, चलो कल लव स्टोरी क्या कहते हो गाइस, इस ब्लॉग के बाद लव स्टोरी चाहिए आपको, चाहिए तो बहुत सारे कमेंट करो, तो मैं इसके बाद लव स्टोरी दूंगी आपको, डिटेलिंग दूंगी ऐसे कमेंट कर दो, लव स्टोरी चाहिए बस इतने कमेंट, कितने मिनट की चाहिए ये भी बता देना वहाँ पे देंगे तो पूरी सुना दो एक बार में, पूरी तो बहुत लंबी हो जाएगी ना। चलो फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 6:15 और डुगू 5 बजे सो गए थे, हम एक सीरीज देख रहे थे और सीरीज देख के देखते ये आदमी सो गया, इसको बिल्कुल चिंता नहीं है कि ये, और अभी ये सो गए ना अभी रात को नाटक करेंगे कि मुझे नींद नहीं आ रही है ना ऐसे ऐसे। ए गुल्लू दुग्गी चल खड़ा हो जल्दी, रात को नींद नहीं आती, आजकल आप चुंडू को भी प्यार नहीं कर रहे, चुंडू को प्यार ही करो, प्लीज 5 मिनट सो, चुंडू को प्लीज जान प्लीज 5 मिनट बस। वही ये देख लो, ये चुन्नू ये रहा,
गुड मॉर्निंग चिंटू मेरी बेटी, ये गुस्सा निकाल रहा है अपना, स्ट्रेस रिमूव कर रहा है ये स्क्रैचर पे। हाँ मेरी बेटी गुच्चाल है, पापा क्योंकि नींद निकल लें इसलिए गुच्चाल आओगे मेरी बेटी को। हाँ स्कूटर चला रहा है मेरा बेटा तो बहुत प्यारा है, मेरा नोना तो बहुत प्यारा बच्चा है। हाँ आपने मम्मा को मिच चुकी थी क्या? हाँ मम्मा मैंने तो आपको बहुत ज़्यादा मिच किया था, लेकिन आप गंदी मम्मा हो, मुझे छोड़ छोड़ के चले जाती हो। नहीं मम्मा छोड़ के नहीं गई थी, मम्मा तो सानिया दीदी से मिलने गई थी ना, और पापा भी घूमी घूमी गए थे तो इसलिए बस। ये देख पीछे से देख साई, पीछे से आ रही है तेरे वो चुड़ैल, देख वो आ गई, देख साई वो रही पीछे, देख शुभी आ गई। हाँ शुभी आ जा आ जा। गाइस मैं अब अंग्राई तोड़ूंगी आज। भाई मैं बनाने वाली हूँ खाने में, देखो या तो मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी और साथ में वो क्या कहते हैं राजगिरी वाले पराठे, या तो फिर मैं बनाऊंगी सामक वाले चावल और सब्जी। तो मैं देखती हूँ अभी क्या बनाना है, तो अभी 6:30 हो गए होंगे मेरे ख्याल से, तो देखूंगी अब क्या बनाना है। मैं अभी एक्चुअली लेटी हुई थी, ये अभी किसी काम से गए थे बाहर और जैसे ही आए आते ही लेट गए, मतलब थोड़ा सा सीरीज देख के कहते नींद आ रही है बहुत तेज, और मैं भी फिर लेटी हुई थी बट मैं फोन चला रही थी कि मैं क्या करूं करके। मैं सोच रही हूँ कि क्यू एन ए वीडियो बना लूँ, आप लोगों के बहुत सारे सवाल बहुत सारी चीजें आती रहते हैं, तो क्यों ना कि क्यू एन ए वीडियो बनाई जाए। लव स्टोरी के बाद बनाऊंगी बट कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आप चाहते हो कि हम एक क्यू एन ए वीडियो बनाए यहाँ, मतलब यू नो इतना टाइम हो गया कि बनाई नहीं है, तो काफ़ी सारे सवालों के जवाब होते हैं आपके जो देने होते हैं और ब्लॉग के थ्रू नहीं दे पाते, सो कमेंट बॉक्स में बताना। और ये भी बताना कि मेरी ये येलो वाली बैंगल्स कैसी लग रही हैं जो मैंने पहनी है, मुझे बहुत पसंद है ये मैं लक्सर से लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे रेड और ब्लैक, मतलब मुंबई महाराष्ट्र में ना ग्रीन का ज़्यादा ज़्यादा वो है बैंगल्स का, रेड और ग्रीन का, तो और कलर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मुझे तो मिला नहीं आज तक, सच बताऊं मुंबई में मैं इतनी जगहों में जा चुकी हूं पर मुझे कहीं पे ना कांच की चूड़ियों में ना प्लेन में कलर्स नहीं मिले। अगर आपको पता हो कोई जगह जहां पे कलर्स मिलते हो सारे, क्योंकि मुझे एक जैसे मैंने टी शर्ट पहनी हुई है ना ये वाली, ये वाला कलर चाहिए बैंगल में, तो बताना अगर आपको पता हो तो कोई जगह ऐसी, ठीक है। तो फिलहाल मैं जब किचन में चलती हूँ और आलू वगैरह रख के आती हूँ बॉयल करने, क्योंकि चाहे पराठे बनाऊं चाहे चावल सब्जी तो दोनों ही उसमें बनानी पड़ेगी मुझे, तो लेट्स गो गाइस। गाइस रात के बज रहे हैं अभी 10:10 बज रहे हैं, तो भाई मैंने तो अपने मतलब फास्ट खोल लिया था, 8 करीब खा लिया था मैंने खाना, और आज मैंने फास्ट में बनाया था सूखे, थोड़े से सूखी गोभी बनाई थी मैंने, और तरी वाले आलू बनाए थे, और थोड़े सामक के चावल और पराठा, बाकी दही वही ये सब थोड़ा थोड़ा था, मैं थोड़ा थोड़ा ही खाया बिल्कुल, क्योंकि 2 से ना मेरे स्टमक में पता नहीं अचानक से एकदम तेज़ दर्द होता है, पता नहीं क्या रीज़न है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे को एकदम से एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, अब पता नहीं वो किस वजह से हो रहा है, देखती हूँ मैं। बाकी मैं ऐसा कुछ खा तो नहीं रही जिसकी वजह से प्रॉब्लम आए, खाना भी मैं बहुत नॉर्मल और बहुत ही कम ही क्वान्टिटी में खा रही हूँ, दिन भर भी मैं कुछ नहीं खाती ना, कोई भी फ्रूट नहीं खाती दिन भर में भी मैं, नहीं पाकि तो, पता नहीं। हाँ जब से यहाँ आए तब से ये भी ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे एसिडिटी, एक्चुअली ना सच बात है इनको यहाँ का पानी सूट नहीं करता मुंबई का, मुंबई में आके इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स बताने लगे हैं अपनी कि मुझे ये दिक्कत ऐसा वाला। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल ये देख लो छुटंकी लाल, इसको पसंद है ये खाना ना, मतलब रोटी का कुछ भी बनेगा तो ये खाती होती है छोटा छोटा सा, और डग्गू का भी चल रहा है, दही है वो सामक वाले चावल हैं, ग्रेवी वाले आलू चटनी और साथ में पराठा, पराठे तो डुग्गू ही बनाते हैं आपको पता है, मेरे को तो आते नहीं अच्छे से बनाने, और ये बहुत अच्छे से बनाते हैं टचवुड। कैसा बना है खाना? डुग्गू ने लेट खाना खाया आज क्योंकि दोपहर को उन्होंने मुझे बोला था कि थोड़े से पुलाव बना दे आलू डाल के, और वो इन्होंने लेट खाया था, टेस्ट में ज्यादा खा लिए काफी नींद आ गई एकदम उड़ने वाली, बहुत गहरी नींद आई जो मैंने दिखाया था गाइस आपको, चावल खा के सो गई। और हाँ मेरे को बोलते हैं उठ के, मैंने कहा डुग्गू 6:30 के उठ जाओ, मैंने कहा मत सो अब शाम का टाइम होने लगा है, कहती है उठ के सच बता तूने चावल में कुछ मिलाया था ना, कुछ नशा मिलाया था ना तूने चावल में, मैंने कहा हाँ मैंने मिलाया था नशा, तो मैं क्या बोलूँगा, पर ऐसा होता ही, अब दिन ही ऐसे आ जाएंगे आलस वाले जिसमें ऐसे नींद आएगी आलस आएगा दिन भर, क्योंकि इतनी तेज़ आज मैं इतना इरिटेट हुई ना गर्मी से, मैं अपने फेस पे कुछ लगा ही नहीं पा रही भाई, ऐसे पानी की तरह तेल छूता है ना स्किन पे से तेल, ऐसे
पूरा पसीना पसीना हुआ पड़ा था, दो बार नहाई हूँ आज मैं, और पूरे जब मैं किचन में खाना बना रही थी ना, पूरे टाइम में किचन में ना टी शर्ट से पसीना ही पहुँचती रही। फिर मैं टॉवल ले गई, फिर मैंने सोचा ना नहा लूँ, मैं कपड़ों के साथ ही नहा ले, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था। मैं ना बाथरूम में गई थी, मैंने टैप ऑन किया कि बाल्टी भरेगी, ये सामने खड़े थे बाथरूम में, मैंने कहा टैप ऑन कर देती हूँ इतना। भाई उससे जैसे ही मैंने ऑन किया, मुझे क्या पता उन्होंने शावर पे कर रखा है, वो बस शावर चल गया मेरे ऊपर ही। फिर क्या, मैं खड़ी रही उसके नीचे ऐसी कपड़ों में ही, शावर के मतलब शावर चलता रहा मेरे ऊपर। क्यों भैया को परेशान करते हो गाइज, ये ना उसको बिल्कुल जीने नहीं देती, वो इतना सॉफ्टली पकड़ता है, और ये ना उसके जॉ के ना ऊपर से कौन खाएगी, पहले उसको चाटेगी फिर खाना शुरू कर देगी, जैसे हम देखे ना तब काटती है डुगुई उसको, वैसे चाटती रहेगी। हाँ साहेब, शुभी परेशान करती है, तेरे साइड सारे बाल उड़ा रखे हैं शुभी ने, डुगू इसकी लाल लाल क्यों हुआ पड़ा है इतना ज्यादा। ये हैंडसम हंक लग रहे हो आजकल तो, सोलो सोलो रील बनाने लग गए आजकल तो, मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम में बड़ी लड़कियों में कमेंट आ रहे हैं भाई, है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा। है मैं सोचा चलो एक हाथ के दिल इधर उधर कर देते, एक हाथ के दिल इधर उधर कर देते हैं, तो फिर हुआ किसी का, चलो पुराना टैलेंट लेके आते हैं अपना। फिर मैं ले आई पुराना टैलेंट अपना। फिर क्या सोचा है, अब दोबारा से शुरू करोगे क्या ये वाला ट्रेंड? अब भाई सोलो रील तो आएगी आएगी, जो बात है सीधी, साथ वाली भी आएगी लेकिन सोलो भी आएगी, दोनों आएंगी, और यशु की भी सोलो आएंगी। यस मैं भी सोलो बनाऊंगी कल से, पुराना टैलेंट दिखाऊंगी अपना। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता देना कि सोलो रील्स चाहिए क्या, पुराने टिकटॉक वाले जैसी। और भाई ये रबड़ चोर ना मेरे रबड़ों के पीछे पड़ा हुआ है, फिर अभी बाथरूम में से एक रबड़ दी है इसको, और ये मुझे लगता है कि वो पूनम की ही रबड़ है, क्योंकि वो मेरी तो है नहीं है, वो ही छोड़ के गई होंगी बाथरूम में, तो उनकी ये है। और ये देख लो कैसे बावड़ों की तरह खेल रहा है, और ये सिर्फ पागलों की तरह देखती रहेगी। दुग्गू कल थोड़े ये लगेज अनबॉक्स कर लें, कपड़े वगैरह जिसमें से वैसे कोई गंदा तो है नहीं, सब धुले हुए हैं, बट फिर भी फैला फैला हो रहा है पूरा कमरा। आज मेरा इतना मन था कि मैं सूट पहनूं, इन्होंने भी बोला कि पहन ले, मैंने सोचा भी ये पहनूं, लेकिन फिर जैसे ही मैंने गर्मी का सोचा ना कि यार बहुत गर्म है नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने नहीं पहना। अब मैं कल सोचूं कि पहनूंगी मैं कुछ तो सूट साड़ी कुछ तो पहनूंगी मैं, क्योंकि आप लोगों को भी अच्छा लगता है, मेरे को भी पसंद है वैसे तो पहनना सच बताऊँ तो, और इतने कपड़े हैं यार कहाँ जाएंगे वो नहीं पहनूंगी तो। ये अभी वापस आ गए हैं काम पे, अभी बस जम के मेहनत करनी है, बहुत सारी मेहनत करनी है, क्योंकि बहुत कुछ करना बाकी है लाइफ में, तो 3-4 महीने में ठीक है एक ब्रेक लेना बनता है, लेकिन 3-4 महीने तो काम करना बनता है ना। और आप लोगों के लिए लव स्टोरी भी लानी है, तो मैंने जैसे कि बोला था कि इस ब्लॉग के बाद हम लव स्टोरी शूट करेंगे, और मैंने आपको ये भी पूछा था कि बहुत दिनों से कोई Q&A नहीं आया, तो अगर आप चाहते हो तो मुझे प्लीज़ इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कोई Q&A चाहते हो। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डुग्गू लोगों के, तो ब्लॉग में रिप्लाई करना मुश्किल रहता है, क्योंकि फिर तो पूरा ब्लॉग उसी क्वेश्चन पर चला जाएगा, आपको पता है। फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, नहीं कुछ लड़कियों के तो आपसे भी हो सकते हैं ना सवाल। हाँ तो कर दूंगी मैं, एक्चुअली किसी के सिर्फ आप से ही होंगे ना पर्सनल। हाँ तो कर दूंगी ना मैं, जिसमें सिर्फ आप ही दिखो बोलते हुए जवाब देते हुए। पगलबंदी मत कर, वीडियो एंड कर ले, शर्मा क्यों रही हो इतना। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा क्या याद आ रहा है अभी ट्रिप पे जो आए हैं हम करके? सानिया याद आ रही सबसे ज्यादा। देखो क्या याद आ रहा है, सानिया की हरकतें। एक्चुअली मैंने तो पूरा ही इतना एंजॉय किया ना, वो पूरा ही टाइम हमने इतना एंजॉय किया ना कि शब्दों में कैसे ही बताएं वो टाइम। पहली बार ऐसा हो गया दिल में कि नहीं वापस नहीं जाना है, होता था पहले काफी टाइम पहले, बट अभी इतने टाइम से ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा था मेरे को, बट इस बार ऐसा हो गया कि नहीं जाना है वापस। देख लो ऐसी पोजिशन में बैठ के इनको देखती रहती है कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ इसके थोड़ी दही लगा दो, खिला के दिखा दो ना, इसे क्या पता खाए दूसरे चम्मच से, इसको एक बार दिन में दही दे के देखती हूँ क्या पता ये खाए सिंपल दही। गुंडे खाना है तेरे को दही? गाइस देखो बैठी कैसे है, मराने वाली बैठती पता नहीं कैसे। चुपी ऐसे कैसे बैठता है तू, ए चुपा ए चुपा ए चुपड़ी। तो भाई चलो बहुत हो गया, और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल मैं आपको दिखाऊंगी, कल बहुत सारा काम है तो सारे काम आपको दिखाऊंगी, और कल हमारी जो यू नो हाउसमेट है वो भी छुट्टी पर है, वो भी यू नो उनकी ईद है कल, तो
इसलिए आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा और कल होपफुली मैं पहनने वाली हूँ साड़ी या सूट, उसी में मैं लव स्टोरी शूट करूंगी और आप बहुत सारा एंजॉय करोगे। और कल का लव स्टोरी का पार्ट भी आने वाला है, मतलब परसों आएगा, जो कि थोड़ा शायद हो सकता है कि बड़ा हो जाए वीडियो, तो आप गाइस वीडियोस को बहुत सारा प्यार दो तभी मैं भाव खा लूंगी वरना। और थैंक यू सो मच इंस्टाग्राम की रील्स पे आप हमें प्यार दे रहे हो, हम कोशिश करेंगे कि दो दिन में या फिर रोज एक कम से कम कोलैब करके या एक सोलो रील तो आपको बना के जरूर दें। आप अब से मेरे को ऐसे ही बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे, इधर आ। अच्छा आजकल ना डुगू को मेरे भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं जैसे वैसे मैं सोचती थी ना कि ऐसे ऐसे इसको बंदे को मेरे पे प्यार आना चाहिए, ऐसे ऐसे ही आ रहा है। आप लोग पूछ लो क्यों आ रहा है, गाइस पूछ रहे हैं क्यों आ रहा है। मैं उनको नहीं बता सकती, तेरे को बता दिया क्यों आ रहा है, बताया तो था। तो गाइस को ऊपर ऊपर वाला ऐसे ही बता दो कि बस आ रहा है, जैसे मेरे बस आ रहा है। आजकल मैं आपको अच्छी लगने लगी हूँ, क्या क्या अच्छा लगता है मेरा बता। सब कुछ जैसे थी ये क्या जैसे बोल रही है अभी, उसके अलावा सब कुछ जैसे थी, सब कुछ जैसे थी बाबू, सब कुछ ना ऐसे ही करती है यार, हमेशा कैमरे के पीछे भी मैं से पूछती हूँ तो यार ऐसी बातें करती है, मैं नहीं चुप रहे। सो गाइस यही था हमारा आज का व्लॉग, अभी देखो धीरे धीरे कंटिन्यूटी में आएंगे व्लॉग, तो धीरे धीरे ही आपको चीज़ें सारी दिखाएंगे हम, अभी थोड़ा अभी थोड़ा उस वाले जोन से हाँ, अभी उस वाले जोन से हम निकले नहीं है ना, वहाँ वाले जोन से, तो इसलिए अभी कुछ ज़्यादा करने का मन नहीं कर रहा, इसलिए काम चोरी पुत्र अभी कोई नहीं, एक दो दिन में भी ट्रैक पर आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज इस व्लॉग को हम यहीं पे करेंगे, एंड आई होप आप लोग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।